दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1544 नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 1,64,000 के पार पहुंच गई है। वहीं संक्रमण से 17 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या भी बढ़कर 4,330 हो चुकी है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में जहाँ कोरोना के 1544 नए मरीज मिले, वहीं 17 मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 1,64,071 हो चुकी है। वहीं दिल्ली में 1155 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर भी चले गए। राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव मामले भी बढ़कर 11,998 हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल 1,47,743 मरीज इस महामारी को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 4,330 हो चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में 5,380 टेस्ट RT-PCR के माध्यम से हुए और 14,461 टेस्ट रैपिड एंटीजन के माध्यम से हुए। दिल्ली में अब तक कुल 14,62,845 जांच हो चुकी है और प्रति 10 लाख लोगों पर 76,991 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसी के साथ ही राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या एक बार फिर से बढ़कर 654 हो चुकी है। इसके अलावा राजधानी में फिलहाल कोरोना से ठीक होने वालों की रिकवरी दर 90% है। दिल्ली में अभी भी 4,505 मरीज अस्पतालों में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि 5,949 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।